अगर आपको वाकई में याद करना है तो आप क्या करो, आप ना जैसे पढ़ने बैठे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उस टाइम पे ना एक पर्टिकुलर, जैसे मैं अभी ना मालदीव गया था तो मैंने क्या किया था, मैंने परफ्यूम खरीदे थे नए, एकदम नए और बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट के, जो मैं यूज ही नहीं किया कभी। और पता है मजे की बात, वो पहली बार मैंने मालदीव्स में ही यूज किया, तो अब हो गया ना वो परफ्यूम मेरे लिए मालदीव्स का परफ्यूम हो गया। आज भी कभी कभार मैं उसको घर पे लगाता हूँ तो मेरे को सीधे मालदीव्स की यादें ताजा हो जाती हैं। तो बेसिकली हमारे सेंसेस हमारी मेमोरी को सीधे अफेक्ट करते हैं। जरा समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इन दैट केस देखो, अगर आप ज्यादा सेंसेस यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो ब्रेन है बेसिकली वो ज्यादा अटेंटिव होगा। मतलब अगर आप पढ़ने के साथ साथ आप अपने आंखों से विजुअलाइज भी कर रहे हो, टेस्ट भी कर पा रहे हो होठों से, नाक से सूंघ भी पा रहे हो किसी चीज को, तो ब्रेन बहुत जल्दी उसे कैप्चर करता है। जब आपके सेंसर फुल्ली काम करते हैं तो आपका ब्रेन भी बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करता है। और ये बहुत सिंपल सी चीज है, जब आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो तो आप ना अपने आसपास स्प्रे करो, ठीक है, आप ले लो दो तीन स्प्रे मंगवा लो। और जब आप जैसे बायो के लिए अलग स्प्रे मंगा लो, केमिस्ट्री के लिए अलग स्प्रे मंगा लो, फिजिक्स के लिए अलग स्प्रे मंगा लो, तो जब आप पढ़ रहे हो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हवा में कर दिया तो ना आपके सेंसेस काम करेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये भी एक अलग ट्रिक है जो आप आजमा के देख सकते हो।